मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इको ट्रैवल बुक जो कि हमारी ईवीएस की बुक है थर्ड क्लास की, उसमें से हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो इतनी देर में आप भी अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है फूड गिव्स अस एनर्जी। जो फूड आप खाते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। ऐसे फूड जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कुछ पिक्स गिवन है, आपको इनमें से जो अच्छा लगता है उस पर आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। फूड, फूड क्या है? फूड जो है वो क्यों ज़रूरी है? फूड इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरी है ताकि हमें एनर्जी मिले और हम अच्छे से ग्रो कर सके, हम अच्छे से बड़े हो सके और हेल्दी रहने के लिए, अच्छे से बड़े होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? रिक्वायर मीन्स ज़रूरत। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें 3 समय पर, मतलब कि 3 हेल्दी मील्स लेने चाहिए एक पूरे दिन में। बच्चों, आप ये पिक देख रहे हैं, ये वॉच है, वॉच में इस वक्त 9 बजे हैं, तो ये सुबह का समय है। हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। इस पिक में देखिए 2 PM हो रहे हैं, मतलब कि ये दोपहर का समय है, दोपहर का खाना भी खाना चाहिए। और ये देखिए, ये अब रात का समय है, रात के 9 बजे हैं, तो रात का खाना भी खाना चाहिए। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, छोटी छोटी मौसम बदलने पर जैसे ही होता है आपको सर्दी खांसी जुखाम ऐसा लगता है ना, तो अगर आप अच्छे से अपनी डाइट लेंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, 3 समय पर खाना, चपाती, राइस, पल्सेस, दालें, ये सब चीज़ें लेंगे, तो आप कम बीमार पड़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे लोग जो सिर्फ मीट खाते हैं, हु ईट मीट, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन। हु ईट मीट, जो सिर्फ मीट खाते हैं वो कौन होते हैं? नॉन वेजिटेरियन। और ऐसे लोग, द पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, जो सिर्फ फूलों से, पौधों से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं वेजिटेरियन। अब हम देखेंगे कि हमारे पूरे देश में किस किस तरह का खाना खाया जाता है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग देश भागों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात आती है नॉर्थ इंडिया की। आप देख रहे हैं यहाँ पर मक्की की रोटी और सरसों का साग है। ये जो भी आप लोग पंजाब में रहते हैं, और हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, मम्मी साग बनाते, दादी साग बनाती हैं, और साग के साथ मक्की की रोटी खाई जाती है जो कि येलो कलर की होती है। तो नॉर्थ इंडिया मतलब कि वो इंडिया का वो हिस्सा जिसमें आप रहते हैं, नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर लोग क्या खाते हैं? ऐसी फूड आइटम खाते हैं जो कि वीट, गेहूं की बनी हुई हो, जैसे कि परांठा, रोटी। खाते हो ना आप सुबह सुबह परांठा खाते हो? अलग अलग तरह के परांठा होते हैं, है ना, गोभी का परांठा, पनीर का परांठा, आलू का परांठा, मूली का परांठा, सब अलग अलग तरह के परांठा आप लेते हो। दोपहर को आप रोटी खाते हो, राइस भी लेते हो। और पंजाब के लोगों को क्या पसंद होता है? ख़ास तौर पर मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। तो नेक्स्ट है हमारा बेटा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मतलब कि दक्षिण भारत। यहाँ पर लोग क्या खाते हैं? साउथ इंडिया के जो पीपल हैं वो खाते हैं इडली, डोसा एंड सांभर। आपने भी खाया होगा, है ना, साउथ इंडियन फूड लिखा हुआ होता है। और क्या चीज़ है स्पेशल डिश कर्नाटका की? बीसी भेले भात, ये वहाँ की स्पेशल डिश है जो कि कर्नाटका के लोग खाते हैं। वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न जो पश्चिम भारत है, वहाँ पर क्या खाया जाता है? वहाँ पर खाया जाता है वड़ा पाव, ढोकला और पाव भाजी। ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत, मतलब कि बेटा जो हमारा इंडिया है, इंडिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि 4 डायरेक्शन होती है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इसी तरह से इंडिया के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो बनते हैं
नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया, तो अलग अलग भाग में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है वहाँ के मौसम के अनुसार, वहाँ पर पैदा होने वाले अनाज के अनुसार कि वहाँ पर किस तरह की फसलें ज़्यादा होती हैं, उसी तरह का खाना वहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है। जैसे कि केरला की अगर हम बात करें, वो साउथ इंडिया है, वहाँ पर फ़िश को ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि वो समुद्र के इलाके के आसपास रहते हैं, समुद्री इलाकों में रहते हैं, तो जो फूड ईज़िली अवेलेबल हो जाता है उसी तरह का खाना वहाँ के लोग खाते हैं। तो ईस्टर्न इंडिया के लोग क्या खाते हैं, राइस, फिश, रसगुल्ला, संदेश, ये एक मिठाई मीठा पकवान है, संदेश, माछर झोल, पीपल जो कि कोस्टल रीजन में, यहाँ पर कोस्टल रीजन की बात हो रही है, समुद्री किनारों के साथ रहते हैं, वो सी फूड भी खाते हैं जैसे कि फिश, क्रैब, प्रॉन एक्सेट्रा। तो राइस के साथ फिश, मच्छी, चावल। अब ये एक्टिविटी टाइम है, आपने इन्हें देखना है और बताना है कि क्या दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये पाव भाजी नज़र आई तो मैंने लिखा इडली, वड़ा, चना, राइस, ढोकला और ये परांठा। बच्चों हमें खाना कहाँ से मिलता है, खाना हमें कहाँ से मिलता है, सोचो कहाँ से मिलता होगा। दूध लेने जाते हो, दूध कहाँ से निकलता है, भैंस से और गाय से, और बकरी का दूध भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। बकरी का दूध पीने से हमारे प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। और पौधों से क्या मिलता है, जितनी भी सब्जियां हैं पौधों से, अनाज, गेहूं, आजकल खेतों में गेहूं लगा हुआ है, चावल, ये सब क्या है, ये प्लांट प्रोडक्ट ही तो हैं। तो प्लांट जिनसे हमें फूड मिलता है, क्या क्या मिलता है, सीरियल, सीरियल्स क्या होती हैं, अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल है ना, ये अनाज है, मक्का ये अनाज है, और पल्सेस, पल्सेस होती हैं दालें, वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्रूट फल, बीवरेजेस होती हैं ड्रिंक्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बीवरेज आती हैं। ये कहाँ से मिलती हैं, प्लांट प्रोडक्ट से। प्लांट हमें जो फूड देता है वो किस फॉर्म में देता है, प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, नट्स यहाँ पर क्या आ गया, ड्राई फ्रूट्स आ गया, ऑयल, तेल एक्सेट्रा। लेट अस नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट वी यूज एज फूड्स। आओ मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें आप खाते हो, प्लांट के कौन कौन सी चीज़ें आप खाते हो। तो सबसे पहले आता है वेजिटेबल, सब्जियां। आपने देखा है स्पेनिच, पालक, कैबेज, पत्ता गोभी, मिंट, पुदीना, ये सब क्या है, ये पत्ते हैं सब्जियों के जिन्हें आप खाते हो। अनियन, प्याज, पोटैटो, आलू, शुगर केन, गन्ना, ये सब स्टेम है, स्टेम तना जिसे आप खाते हो। कैरेट, रेडिश, बीटरूट, बीटरूट होता है चुकंदर, कैरेट, गाजर, रेडिश होती है मूली, ये सब क्या है, ये रूट्स हैं जिसे आप खाते हो। तो एक प्लांट होता है, आपने पढ़ा होगा प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, लीव्स, स्टेम, रूट, तो आप प्लांट के काफ़ी हिस्सों को खा सकते हो। किसी प्लांट के आप लीफ खाते हो वो है पालक, पत्ता गोभी और पुदीना, किसी प्लांट का स्टेम खाते हो वो है अनियन, पोटैटो एंड शुगर केन, गन्ना, और किसी प्लांट की जड़ खाते हो आप, रूट खाते हो, वो क्या है, कैरेट, रेडिश और बीट रूट। और ब्रोकली, आपने देखा होगा हरे रंग की गोभी होती है, जो आपने देखी होगी वाइट वाली गोभी जिसे कॉलीफ्लावर कहते हैं, गोभी आजकल बहुत मिल रही है बाजार में है ना, जो वाइट कलर की होती है गोभी, बिल्कुल जो हिस्सा वाइट है जब वो ग्रीन कलर का होता है तो उसे बोलते हैं ब्रोकली। ये दोनों क्या है, ये फूल हैं जो कि हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। देखो राइस है और ये वीट है, गेहूँ है और ये चावल है, ये क्या है, सीरियल्स। राइस, वीट और मेज़, मक्की, ये सब क्या है, ये सीरियल्स हैं। सीरियल्स में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ही गुड सोर्स है एनर्जी का। हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना, खाना नहीं खाते हैं तो काम नहीं ना होता, कोई भी थका हुआ लगता हमें, हम कहते हैं मम्मी भूख लग रही है कुछ बना कर दो। तो ये है सीरियल्स हमारे। नेक्स्ट है पल्सेस, पल्सेस होती हैं दालें। आपने देखे होंगे काले चने जिसे हम ब्लैक ग्राम बोलते हैं और उड़द दाल को बोलते हैं हॉर्स ग्राम, ये सब दालें हैं। पल्सेस जो हैं, दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और ये हमें बढ़ने में मदद करते हैं। बढ़ने मतलब आपकी उम्र बढ़ती है ना, तो बढ़ते हो आप, ग्रो करते हो। शुगर क्या है, चीनी, चीनी किससे मिलती है आपको पता है, चीनी किससे मिलती है, गन्ना, देखा आपने कभी, गन्ने का जूस तो पिया होगा, गन्ने से हमें मिलती है शुगर, चीनी। और बीवरेज क्या है,
चाय और कॉफ़ी जो आप पीते हो वो है बीवरेज। कॉफ़ी किससे मिलती है? कॉफ़ी के छोटी छोटी कलियां उगती हैं, बीन्स जिन्हें हम कहते हैं, छोटी छोटी फलियां कॉफ़ी प्लांट पर। आपने टीवी में ऐड भी देखी होगी ब्रू कॉफ़ी की, उसमें दिखाते हैं ना किस तरह से एक व्यक्ति छोटे छोटे बीन्स को पहले सुखाता है और फिर बनाता है। चाय किससे मिलती है? चाय के भी बागान होते हैं, चाय भी पेड़ों पर उगती है, हरे रंग की पत्तियां होती हैं, उनको तोड़कर सुखाकर फिर उनको पीसा जाता है, तब बनती है चाय पत्ती। उसके बाद देखो बेटा, ऑयल, तेल जिससे सब्जी बनती है, जो आप बालों में भी लगाते हो, है ना, अलग अलग कंपनी का अलग अलग मटेरियल का बना हुआ आलमंड ऑयल यूज़ करते हो आप बालों में लगाने के लिए, है ना, सरसों का तेल जिसे हम बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, वो भी यूज़ करते हो आप खाना बनाने के लिए, मम्मा यूज़ करती होगी घर में। तो कुकिंग ऑयल जो बनता है वो किससे बनता है? सनफ्लावर से, आलमंड से भी और मस्टर्ड से भी, पौधों से मिलता है, सरसों के पौधे से, बादाम के और सूरजमुखी। तो ये सनफ्लावर ऑयल है और ये सरसों का तेल है, ये सूरजमुखी का और ये सरसों का। और क्या मिलता है हमें पेड़ पौधों से? यस, हमें मिलते हैं बादाम, काजू, बादाम मतलब आलमंड्स और काजू मतलब कैश्यू नट्स। तो जो कॉमन नट्स हैं हम फूड की तरह लेते हैं वो है बादाम, काजू और अखरोट, कैश्यू नट, वॉलनट्स एंड आलमंड्स। एनिमल्स जो हमें फूड देते हैं वो कौन है? काओ, बफलो, गोट, ये हमें मिल्क देती हैं, और मिल्क से हम क्या बनाते हैं? दही, मक्खन, पनीर और आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? मिल्क से। डक, बत्तख और मुर्गियाँ, ये क्या देती हैं? एग। और कुछ लोग तो गोट, हैन और फिश के मीट से, मतलब उनके मांस को खाते हैं और उसे क्या कहते हैं? मीट। बकरी का, मुर्गे का और मछली, इन सब चीज़ों को खाते भी हैं कई लोग। तो अब आपको पता चला किस तरह से हमें प्लांट्स से, पौधों से और एनिमल्स से खाना मिलता है। तो अब यहाँ पर क्या है, खेतों से खाना कैसे आता है घर में? जो पौधे उगते हैं उनको इकट्ठे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कौन उगाते हैं? फार्मर, किसान। फिर जब फसल पक जाती है उस क्रॉप को काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है और बड़ी बड़ी मंडियों में होलसेल डीलर के पास ले जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ आसपास ट्रॉलियों में गेहूं को काट के जब मंडियों में लेके जाया जाता है कितनी भीड़ हो जाती है, कितनी डस्ट उड़ती है। तो मंडियों में जाता है, मंडियों में जाने के बाद वहाँ से कौन लोग खरीदते हैं? वहाँ से गवर्नमेंट खरीदती है और फिर गवर्नमेंट के गोदामों से शॉपकीपर, दुकानदार और वेंडर्स, रेहड़ी वाले जो हैं वो उन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं और फिर हम तक पहुँचाते हैं। और फिर उस जो सब्जियाँ या जो भी चीज़ें आती हैं उनको वॉश करके मम्मा जो है वो घर में खाना बनाने के लिए तैयार रहती हैं। तो अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा कि हमें खाना एनर्जी देता है, खाना खाने से हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, हमें 3 टाइम पर खाना खाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रीड कीजिएगा और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और बार बार अपने हैंड्स को वॉश कीजिएगा। थैंक यू।